कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 20D अध्याय 20 सांख्यिकी। प्रेक्षणों का प्रसरण 6 है। यदि प्रेक्षण प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया गया हो तो प्राप्त प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। माना हम इसको मान लेते हैं, क्या माना हमारे पास जो 24 प्रेक्षण है वो इस प्रकार से है। X1 कमा X2 कमा X3 डैश डैश कितने, ये हमारे पास 24 प्रेक्षण है। दिया है प्रसरण, दिया है कि इनका क्या प्रसरण, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबरी से कितना 6 है तथा n का मान 24 है तथा n बराबरी से कितना है 24 है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबरी से 1/n समेशन एक्स माइनस 12x पूरे की घात कितने 2, 6 बराबरी से सिग्मा दिया हमारे पास कि प्रसरण कितना है 6 है। यदि 6 बराबरी से 1/24 ब्रैकेट में हमारे पास है समेशन एक्स माइनस 12x स्क्वायर, 24 का 6 में गुणा हो जाएगा, मान कितना आ गया 144 बराबरी से समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। यह हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा 1। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए, यदि जैसा प्रश्न में कह रहे हैं, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण क्या y है, तब क्या y बराबरी से 3x या x बराबरी से 1/3y, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा, अर्थात 12y अर्थात 12y बराबरी से यानी समांतर माध्य x बराबरी से इसका समांतर माध्य मतलब समांतर माध्य x बराबरी से 1/3 समांतर माध्य y, ये समीकरण नंबर है तीसरा। 12x तथा x के मान 12x तथा x के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या कर रहे हैं अपन रख रहे हैं, ध्यान दीजिए समीकरण एक हमारे पास है समीकरण x माइनस 12x, ठीक है, तो x की जगह पर 1/3y और समांतर माध्य x की जगह पर 1/3y रखेंगे तो मान कुछ इस प्रकार से बनेगा समेशन 1/3y ऋण 1/3 12y बराबर इस 144 पूरे की घात 2, ठीक है, बराबर इस 144। 3 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 3 9, 144 में 9 का गुणा हो जाएगा तो यह माना जाएगा
समेशन वाई माइनस बार वाई यानी वाई माइनस समांतर माध्य वाई बराबर इस 3 × 9 का गुणा 144 में होगा तो 1296। अतः प्राप्त प्रेक्षणों का प्रसरण, अतः प्राप्त प्रेक्षणों का क्या प्रसरण 1/n समेशन y माइनस 12y पूरे की घात 2 1/n मतलब 24 प्रेक्षण है गुणित 1296। 24 में 24 का जब 1296 में भाग देंगे तो मान आएगा कितना 54। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कर धन्यवाद।